प्रदेश के ग्वालियर के एक टोल नाके से गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है, जहां टोल कर्मियों द्वारा टोल टैक्स मांगने पर एक युवक ने टोल कर्मी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत ये रही कि टोल कर्मी को गोली नहीं लगी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। फायरिंग करने के बाद युवक टोल से बिना टैक्स दिए दो कारों को निकलवा ले गया। एक कार में फैमिली और दूसरी कार में बंदूकधारी युवक के कुछ साथी भी सवार थे। यह पूरी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस अब इस मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी कहती है कि ग्वालियर के बरेठा टोल पर सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात एक काले रंग की टाटा सफारी कार में सवार होकर कुछ युवक आए थे, जिनमें से एक युवक कार से नीचे उतरा। टोल टैक्स मांगने पर उसने राइफल निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। इतना ही नहीं, युवक ने पीछे से आ रही एक अन्य कार को भी बिना टोल टैक्स दिए टोल क्रॉस करवा दिया और दोनों ही कारों को लेकर यह लोग यहाँ से फरार हो गए। इस पूरी घटना का वीडियो टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वहीं इस घटना की शिकायत टोल कर्मियों ने महाराजपुर थाने में दर्ज कराई है, जहां पुलिस ने दोनों कारों के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।